Morning class. How are you? I hope you all are good at your homes. Okay, one of the most important thing is that you have to follow the rules in COVID-19. Theek hai? In this pandemic situation, we have to follow rules. Okay, whatever you are outside or you are inside. So, let's begin our chapter number 6. Soil and Mineral Resources of India. Yesterday I have given you a short introduction of that chapter, and today we will start the next part of this chapter. Okay, so what is this? You can see in a picture that this is a mining area. Okay, mining jahan pe hum khudai karte hain, theek hai? Achha, you know that na, we get minerals from the core of our earth. जैसे कि काफ़ी नीचे जाके, हमारी अर्थ के नीचे जाके हमें वो मिनरल्स मिलते हैं. मिनरल्स वी गेट मिनरल्स, या आई नो दैट मिनरल्स वी गेट फ्रॉम आवर बॉडीज ऑल्सो, वी गेट फ्रॉम आवर किचन्स ऑल्सो, एंड वी गेट फ्रॉम आवर अर्थ ऑल्सो. ओके, हम अपनी अर्थ से बहुत सारे क्या मिलते हैं, मिनरल्स. सो ह्यूमंस हैव बीन माइनिंग फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों से वो माइनिंग कर रहे हैं और हमको वो प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ें. एंड दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क. ओके, अगर एक बार चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको दोबारा बनाने में हमको बहुत साल लग जाते हैं. ओके, नाउ एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, दीज आर माइनर्स जो खुदाई करते हैं हमारे अर्थ के नीचे जाके, अंदर जाके. द माइनर्स हेल्प अस एक्सेस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन ऑर. ठीक है, ये सब हमको वहाँ से, वी गेट फ्रॉम अर्थ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन. वाई? बिकॉज ऑफ माइनर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रीज. Many industries use natural resources such as iron ore and aluminium to produce things used by us every day. जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं डेली के डेली, वो चीज़ें हमको, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़. ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ से लेकर, ये थोड़ी ना होता है कि हम अर्थ से हमने निकाला और वह बन के रेडी है और हम मार्केट में यूज़ कर सकते. नो, पहले वो फैक्ट्री में जाती हैं, ठीक है, फिर क्या होती है, वहाँ रिन्यू होती हैं, ठीक है, पॉलिश होती हैं, वहाँ पे न्यू टेक्सचर देते हैं वो लोग, फिर वो मार्केट में आती है. नाउ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन ह्यूमंस टू फंक्शन प्रॉपरली. नाउ अगर ह्यूमंस जो हैं वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ नहीं करेंगे, लाइक अगर लाइक वी आर टीचर्स, ओके, इफ़ यू विल नॉट टीच यू प्रॉपरली तो हाउ यू विल लर्न प्रॉपरली? ओके, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे? ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अगर वो सही प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सही तरीके से नहीं बनाएंगे, तो हम लोग सही प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, दिस इज़ अ लेयर ऑफ सॉइल. ओके, these are the various layers of soil. The first one you can see humus, second one top soil, third subsoil, fourth broken rocks. The broken rocks have another name also, parent material. Okay, now, and the last one is a bedrock. Now, so I'll tell you about this. What is humus? The humus is the topmost layer of the earth. ये अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है जो विजिबल होती है, और यू कैन से ह्यूमस इज़, हम कहते हैं, खाद होती है. जब हम प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए, अच्छा टेक्सचर देने के लिए, अच्छी क्वालिटी देने के लिए, हम उसमें ह्यूमस को मिक्स करते हैं. ओके, टू मेक मोर फर्टिलाइजर. नाउ टॉप सॉइल, द टॉप सॉइल इज़ द नेक्स्ट लेयर. It is made mostly of minerals and most plants roots live here. आप देख सकते हैं in a picture. This is a after humus. This is a top soil की जिसमें जो root होती है ना वो भी दिखती है top soil में. Okay, वो just humus के बाद की होती है. ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से roots
यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर आना। नाउ नेक्स्ट द सब सॉइल, जहाँ पे आके रूट्स फिनिश होती हैं एज यू कैन सी इन योर पिक्चर। सो व्हाट आर द सब सॉइल? सब सॉइल लेयर इज नेक्स्ट, इट मेड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, ये इन सब का मिक्सचर होता है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रोकन रॉक्स। नाउ वी कैन कॉल इट पेरेंट मटेरियल ऑल्सो। इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन अप बैड रॉक प्लांट रूट्स, डू नॉट पेनिट्रेट इन टू दिस लेयर, वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इज फाउंड इन दिस लेयर। बहुत कम फर्टिलाइज़र होती है, बहुत ज़्यादा कम फर्टिलाइज़र हमको इसमें मिल पाता है। ठीक है, ये ब्रोकन रॉक्स होती हैं, जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं उसका मिक्सचर होता है ये। नाउ द लास्ट वन इज़ अ बैड रॉक। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो ब्रोकन रॉक्स हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे पीसेस में है रॉक्स के, और नीचे जो बैड रॉक होती है वो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। द बैड रॉक इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ सॉइल, इट इज़ सॉलिड रॉक लेयर। ठीक है, ये सबसे आखिरी लेयर होती है और ये बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं होती, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर होते हैं और ये बहुत सॉलिड होती है। नाउ नेक्स्ट वन, सॉइल रिसोर्सेज। योर नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल रिसोर्सेज। अच्छा, सॉइल, अबाउट सॉइल, यू ऑल नो अबाउट सॉइल। व्हाट इज सॉइल? वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम सॉइल्स। ओके, इन फैक्ट वी बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड। हमको खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली सॉइल से, क्योंकि हम जो पेड़ होते हैं जहाँ से हमको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं वो सॉइल में ही तो होते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल। फाइन, तो सॉइल बनती कैसे है? फर्स्टली आई वॉन्ट टेल यू दैट सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ सरफेस। या तो आपको पता होगा सॉइल सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी सरफेस की, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एक्शन ऑफ द सन, विंड्स एंड वाटर। अच्छा, ये जो रॉक्स ब्रेक डाउन होती है जब एयर, वाटर, सनलाइट का जो मिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जब हमारा टीथ जो होता है वो ब्रेक कैसे हो जाता है, जब हम गर्म पे ठंडा पी लेते हैं या ठंडे पे हम एकदम गर्म पी लेते हैं, ऐसे जब बारिश होती है, आंधी आती है, उसके बाद जब फिर से सनलाइट पड़ती है उस पर, तो उस ठंडे पे, उस पानी पे जब फिर गर्मी आती है तो वो रॉक्स ब्रेक होती हैं। जब ब्रेक होती हैं उसके बाद जब विंड्स चलती हैं वो आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद वो आपस में और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती हैं, टूट जाती हैं। फिर वो वन प्लेस, नाउ दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, ऐसे करते करते वो क्या हो जाती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड वो कन्वर्टेड इनटू सॉइल, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ दीस स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सॉइल। तो वो जो रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे टूटते टूटते सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैरीड बाई विंड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जब पानी हवा चलता है तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती हैं, एक जगह तो रहती नहीं ना सॉइल। हम जब आंधी तूफान आता है, जब हम देखते हैं हमारे की आंधी से धूल इधर से उधर उड़ रही है, तो वो टॉप मोस्ट लेयर ही तो होती है सॉइल। नाउ सॉइल कंटेन्स, वो क्या क्या कंटेन करती है? एयर, वाटर, सैंड, पेबल्स, क्ले एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हमें सॉइल में देखने को मिल जाएंगी। नाउ एज रॉक्स कंटेन मिनरल्स, द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज रॉक्स कंटेन्स मिनरल। जब रॉक्स मिनरल्स को कंटेन करते हैं तो सॉइल ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स। ओके, क्योंकि वो उसी से टूट के तो बनी हुई है, तो सॉइल हमको बहुत कुछ देती है। ओके, बहुत ज़्यादा सब कुछ हमें सॉइल से ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा, सॉइल रिसोर्सेज। ओके, अच्छा, यू नो दैट ना, सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर एंड सैंड, पेबल्स, क्ले एंड सो ऑन, एज आई टोल्ड यू दैट, एंड रॉक्स कंटेन मिनरल्स, द सॉइल फॉर्म आउट ऑफ दिस रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स टू। अच्छा, आपको पता है द एंटायर प्रोसेस जो होता है इस सब का, कि रॉक्स को टूट के स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट होना, फिर स्टोन से छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट होना, फिर उससे सॉइल में कन्वर्ट होना, इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स।
ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. नाउ टाइप्स, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया. बहुत सारी रॉक्स हमारे पूरे इंडिया में क्या हैं, फैली हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन अवर कंट्री. जब डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स है तो वो डिफरेंट टाइप्स की क्या होंगी, सॉइल्स भी होंगी. एज यू कैन सी इन अ मैप, जो आपका ऑरेंज पोर्शन है वहाँ पे माउंटेन सॉइल मिलती है, जो आपका येलो पोर्शन है वहाँ पे डेजर्ट सॉइल है, ग्रीन पोर्शन है वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, वाइट पोर्शन वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है इन स्टेट्स में. ओके, समझ में आ गया. पिंक है लैटराइट सॉइल होती है, ठीक है. डार्क पिंक है वो क्या है, वो लैटराइट सॉइल है. जो हल्की रेड है वो रेड सॉइल है, जो बहुत ज़्यादा रेड है वो माउंटेन सॉइल्स हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. इन नेक्स्ट पार्ट यू विल लर्न अबाउट विच टाइप ऑफ, वी हैव सिक्स टाइप ऑफ सॉइल एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कीप रिवाइजिंग एट योर होम्स.